चलिए गाइस, आज एक सब्जी बनाते हैं। कुछ स्पेशल सा अरवी के पत्ते से मछली जैसा टेस्ट है। चलिए अभी एक कटोरी लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा बेसन दे देंगे, उसके बाद थोड़ा हल्दी दे देंगे, उसके बाद थोड़ा नमक दे देंगे स्वाद अनुसार, उसके बाद थोड़ा लाल कर्च मिर्च पाउडर दे देंगे, उसके बाद धनिया पाउडर दे देंगे, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट दे देंगे, उसके बाद अच्छा से उसको घोल देंगे, उसके बाद अरवी के पत्ते में अच्छा से उसको लिपट लेंगे। फिर चलिए और एक पत्ता लेते हैं, इसको भी अच्छा से बेसन से लिपट लेंगे, इसके बाद इसको चारों ओर से अच्छा से फोल्ड कर देंगे, इसके बाद इसको मतलब धागा से बांध देंगे, उसके बाद धागा से बांध देंगे। फिर ये रेसिपी आप भी घर में ट्राई कीजिए, आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। चलिए अभी इसको इडली के छाछ में 10 मिनट तक उबाल लेंगे। चलिए ये सब का अभी पेस्ट बनाते हैं। चलिए अभी 10 मिनट हो गया है, इसको निकाल लेते हैं, फिर 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद इसको धागा को खोल देते हैं, इसके बाद इसको मछली जैसा गर्म तेल में फ्राई कर लेते हैं। इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जैसे मछली को करते हैं, इसके बाद इसको निकाल देंगे। इसको निकाल लिए हैं, उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसके बाद उसमें सरसों का तेल देंगे, कुछ जीरा ऐड करेंगे, उसके बाद एक कटी हुई प्याज देंगे, उसके बाद कटी हुई टमाटर, उसके बाद जो पेस्ट बनाए तो उसको देंगे, उसके बाद थोड़ा हल्दी पाउडर देंगे, उसके बाद थोड़ा मसाला ऐड करेंगे, आप लोग का घर में जो भी मसाला होगा सारा ऐड कीजिएगा, उसके बाद उसको अच्छा से फ्राई करेंगे, उसके बाद थोड़ा स्वाद अनुसार नमक देंगे। चलिए अभी अच्छे से इसको भूंज लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा पानी देंगे, उसके बाद हम लोग का मछली छोड़ देंगे, बट ये मछली नहीं है, ये अरवी का पत्ता है। आप भी घर में ट्राई कीजिए, आप लोग को भी ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगेगा। चलिए हम लोग का ये रेसिपी बनकर रेडी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।